अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ उर्दू का एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज मैं आपको हरूफ़ तहजी की मुख्तलिफ छोटी अशकाल अल्फाज के साथ बताऊँगी कि ये छोटी अशकाल मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होती हैं। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको हरूफ़ तहजी के हरूफ की छोटी अशकाल बताऊंगी मुख्तलिफ हरूफ में इस्तेमाल करके कि उनकी छोटी अशकाल मुख्तलिफ हरूफ में किस तरह से तब्दील होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरफ, यहाँ पे उसकी इब्तदाई शक्ल आ जाएगी, फिर उसकी दरमियानी शक्ल, फिर आ जाएगी जी उसकी आखिरी शक्ल। इब्तदाई शक्ल को इंग्लिश में आइसोलेटेड फॉर्म कहते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म। दरमियानी शक्ल को मिडल और आखिरी को फाइनल या एंडिंग, फाइनल फॉर्म या एंडिंग फॉर्म कहते हैं, एंडिंग। सबसे पहले हमारा हरफ है जी बे। मैं बे के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारा हरफ है बे, इसकी इब्तदाई छोटी शक्ल यूं होती है, दरमियानी शक्ल इसकी थोड़ी यूं होती है और आखिरी शक्ल इसकी इस तरह भी होती है और इस तरह भी होती है। अब इसके हरूफ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ जी। जैसे बिल्ली, ये बिल्ली में इब्तदाई शक्ल आई। खबर, ये दरमियानी शक्ल आ गई इसकी। और बल्ब, अब बल्ब में देखें इसकी इब्तदाई शक्ल भी है और आखिरी शक्ल भी है। इसी तरह सेब, सेब में ये आखिरी शक्ल इस तरह से आ गई। और किताब, किताब में ये देखें ये वाली आखिरी शक्ल आ गई। तो ये हो गई हमारी बे की अशकाल। ये इब्तदाई है, ये दरमियानी है और ये आखिरी है। मैंने हरूफ के साथ आपको मिसालें देके समझा दी। इसी तरह पे की भी ऐसी होती हैं, ते टे से, बे के ख़ानदान के जितने भी हरूफ हैं उन सब की ऐसे ही होती हैं अशकाल। इब्तदाई ये होती है, दरमियानी ये और आखिरी ये। अगला हरफ है जी हमारा जीम। जीम की इब्तदाई शक्ल होती है यूं, दरमियानी शक्ल होती है जी यूं और आखिरी शक्ल उसकी यूं होती है या यूं होती है। अब इसकी मैं मिसालें देके आपको बताती हूँ। जैसे जामन, ये इसमें इब्तदाई शक्ल आ गई। शजर, ये इसमें दरमियानी शक्ल आ गई। और ये देखें जी हज, ये इसकी आखिरी शक्ल इस तरह वाली। और ताज में इस तरह वाली आ गई। इसी तरह जीम के ख़ानदान के भी जितने हरूफ हैं चे, हे और खे, उन सब की दरमियानी, आखिरी और इब्तदाई शक्लें ऐसे ही होती हैं। मैं आपको शरारती हरूफ की अशकाल नहीं बता रही क्योंकि उनकी छोटी अशकाल नहीं होती। वो मेरा पूरा इसके ऊपर टॉपिक है शरारती हरूफ का, आप मेरी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगला हरफ है जी हमारा शीन। ये होती है जी शीन की इब्तदाई छोटी शक्ल। ये मैं आपको छोटी छोटी अशकाल बता रही हूँ। इब्तदाई शक्ल, ये होती है जी इसकी दरमियानी शक्ल। दरमियानी और इब्तदाई में ये फ़र्क है कि दरमियानी में थोड़ा सा इसका यहाँ से भी हम शोशा निकालते हैं। और आखिरी इसकी शक्ल होती है जी यूं, ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है। इसकी मिसालें मैं आपको यूं दूंगी जी। इब्तदाई शक्ल की मिसाल है जी शेर,
शेर में ये हमारी इसकी इब्तदाई शक्ल आ गई। दरमियानी शक्ल है जी शीशा, शीशा में आप देखें इसकी इब्तदाई शक्ल भी आ रही है और दरमियानी शक्ल भी आ रही है। फिर हम आ जाते हैं जी आखिरी शक्ल में कोशिश, ये देखें कोशिश और बारिश, ये दोनों अशकाल के साथ मैंने आपको लफ्ज़ बता दिए हैं। अगला हमारा हरफ है जी स्वाद। स्वाद की छोटी शक्ल होती है जी यूं, इब्तदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल होती है कुछ यूं और आखिरी शक्ल इसकी यूं भी होती है और यूं भी होती है। अब मैं इनके अल्फाज के साथ आपको मिसाल दे देती हूँ। सुराही, हिस्सा, इसमें दरमियानी शक्ल आ गई और आखिरी शक्ल के लिए जी शख्स, ये वाली आखिरी शक्ल आ गई और ख़ास, ख़ास में ये वाली आखिरी शक्ल आ गई। ये हो गई जी स्वाद की इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी अशकाल। अगला हमारा हरफ है जी आयन। आयन की छोटी शक्ल होती है जी यूं, इब्तदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल होती है जी यूं और आखिरी शक्ल इसकी ऐसे भी होती है और यूं भी होती है। इसकी अल्फाज के साथ मैं आपको मिसाल देती हूं जी अरूज, यहां पर देखें अरूज में ये आयन की इब्तदाई शक्ल आ रही है। ताबीर, ताबीर में हमारे पास आयन की दरमियानी शक्ल आ रही है। शमा, शमा में आयन की ये वाली आखिरी शक्ल आ रही है और शुरू में हमारे पास आयन की ये वाली आखिरी शक्ल आ रही है। ये हो गई जी आयन की इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी अशकाल अल्फाज के साथ। अगला हमारा हरफ है जी फे। फे की इब्तदाई शक्ल होती है ऐसे, दरमियानी शक्ल इसकी थोड़ी सी यूं होती है और आखिरी शक्ल इसकी ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है। इसकी मिसाल आपको मैं यूं देती हूं, फवारा, इसमें हमारे पास ये वाली शक्ल आ गई। कुफर, कुफर में हमारे पास फे की ये वाली शक्ल आ गई दरमियानी। तारीफ, तारीफ में हमारे पास फे की ये शक्ल आ रही है और तरफ में हमारे पास फे की ये वाली शक्ल आ रही है। ये मैंने आपको तमाम अशकाल के साथ मिसालें देकर बता दिया, ये फे की इब्तदाई, ये दरमियानी और ये आखिरी अशकाल। अगला हरफ है जी हमारा क़ाफ, गोल वाला मोटा वाला क़ाफ। इन सब हरूफ की साउंड्स, इनकी आवाज़ों पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। क़ाफ की इब्तदाई शक्ल होती है ऐसे, दरमियानी शक्ल इसकी होती है यूं और आखिरी शक्ल इसकी ऐसे भी होती है और खुली भी होती है ऐसे। जैसे क़ाफ से कैंची, कैंची, तकसीम, तकसीम में क़ाफ की दरमियानी शक्ल आ रही है। आखिरी शक्ल में जी सबक और फ़र्क, ये दोनों आखिरी अशकाल के साथ मैंने आपको अल्फाज बता दिए। अगला हमारा हरफ है जी काफ, डंडे वाला काफ। इसकी इब्तदाई शक्ल इस तरह भी होती है और यूं भी होती है। अलिफ़ के साथ जब ये जुड़ता है तो इसकी इब्तदाई शक्ल इस तरह हो जाती है। दरमियानी शक्ल इसकी होती है जी इस तरह,
और आखिरी शक्ल इसकी ऐसे भी होती है और खुली भी होती है। इसकी मिसालों में यूँ आ जाएगा जी, ये वाले क़ाफ़ की मिसाल जैसे किताब, और इस क़ाफ़ में जैसे काला अलिफ़ के साथ जुड़ेगा तो ये गोल हो जाता है। दरमियानी शक्ल की मिसाल है जी बकरा, आखिरी शक्ल में आ जाता है जी ब्रेक और ट्रक। ये खुली शक्ल के साथ भी है और थोड़ी जब ये दूसरे हरूफ के साथ जुड़ता है तो इसकी आखिरी शक्ल इस तरह हो जाती है। ये इब्तदाई शक्ल है, दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल। इसी तरह गाफ की भी इब्तदाई शक्ल यूँ होती है और अलिफ के साथ जब जुड़ता है तो गोल हो जाती है। दरमियानी शक्ल यूँ होती है और आखिरी शक्ल इस तरह होती है। दो तरह से ये खुली शक्ल है इसकी आखिरी, और ये थोड़े से दूसरे अल्फाज के साथ जब ये जुड़ता है तो फिर इसकी आखिरी शक्ल इस तरह होती है। अगला हरफ है जी हमारा लाम। लाम की इब्तदाई छोटी शक्ल इस तरह होती है, दरमियानी शक्ल इसकी ऐसे होती है थोड़ी सी, और आखिरी शक्ल इसकी ऐसे भी होती है और खुली भी होती है। इसकी मिसाल यूँ है जी जैसे लाल, लट्टू, लाल और लट्टू में इसकी इब्तदाई शक्ल आ रही है, शलजम, शलजम में इसकी दरमियानी शक्ल आ रही है, नारियल, नारियल में इसकी ये वाली आखिरी शक्ल आ रही है, और मुकम्मल, नारियल और मुकम्मल में इसकी ये वाली आ रही है, और खुली में आ जाएगा जी पेट्रोल। ये लाम की तमाम अशकाल हैं, इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी। आखिरी दो तरह से है, एक ये है और एक ये खुली है। इसकी मिसाल में मैंने नारियल और मुकम्मल लिखा है और ये खुली वाली में पेट्रोल। अगला हमारा हरफ है जी मीम। मीम की छोटी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मीम की छोटी शक्ल इस तरह होती है जी, इब्तदाई छोटी शक्ल यूँ है, दरमियानी इस तरह है, और आखिरी हमारी यूँ भी आती है और यूँ भी आती है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगी मोर, मोर में इब्तदाई शक्ल यूँ आ रही है, कमीज़, कमीज़ में इसकी दरमियानी शक्ल आ रही है, और आखिरी शक्ल में जी कलम ये वाली आ गई, और कौम, कौम में इसकी आखिरी शक्ल इस तरह से है खुली। ये इसकी इब्तदाई शक्ल है, ये दरमियानी, ये आखिरी अशकाल के साथ मैंने मिसालें दी हैं। अगला हमारा हरफ है जी नून। नून की इब्तदाई छोटी शक्ल होती है यूँ, दरमियानी इसकी थोड़ी सी इस तरह होती है, और आखिरी इसकी ऐसे भी होती है और खुली भी होती है। इब्तदाई शक्ल की मिसाल है जी नाक, नाक में इसकी इब्तदाई शक्ल आ रही है, दरमियानी शक्ल में इसकी मिसाल है जी उनवान, उनवान में इसकी ये वाली देखें आप दरमियानी शक्ल आ रही है। इस वाली शक्ल के लिए आ जाता है जी साबुन और नान, नान में खुली शक्ल है क्योंकि जब भी ये हरूफ शरारती हरूफ के बाद आते हैं तो इसकी आखिरी शक्ल इस तरह हो जाती है, और वैसे इसकी साबुन में इसकी आखिरी शक्ल इस तरह है, नाक में इसकी इब्तदाई शक्ल आ रही है, उनवान में इसकी दरमियानी शक्ल आ रही है, साबुन में इसकी आखिरी शक्ल इस तरह से आ रही है, और नान में इसकी आखिरी शक्ल खुली वाली आ रही है। अगला हमारा हरफ है जी गोल है, या छोटी है भी इसको कहते हैं। ये इसकी इब्तदाई शक्ल होती है ऐसे, ये इसकी इब्तदाई शक्ल। इसकी दरमियानी शक्ल होती है जी यूँ, और आखिरी शक्ल इसकी होती है जी ऐसे, ये इसकी आखिरी शक्ल। जैसे हाथ में
इब्तदाई शक्ल आ रही है। बहुत में जी इसकी दरमियानी शक्ल आ रही है और हुक्का में इसकी आखिरी शक्ल आ रही है। ये गोल है की अशकाल हैं, ये इब्तदाई है, ये दरमियानी और ये आखिरी, और इसकी आखिरी शक्ल इस तरह भी होती है जैसे खतरा, खतरा में इसकी आखिरी शक्ल इस तरह आ जाएगी। अगला हमारा हरफ है जी छोटिए। छोटिए की इब्तदाई शक्ल होती है ऐसे, दरमियानी शक्ल होती है जी यूँ, और आखिरी शक्ल इसकी थोड़ी ऐसे भी होती है और खुली भी होती है जैसे यक्का। यक्का में इसकी इब्तदाई शक्ल आ रही है। तीन, तीन में इसकी दरमियानी शक्ल आ रही है। पानी, पानी में इसकी ये वाली आधी शक्ल आ रही है। और आरी, आरी में इसकी ये वाली आधी शक्ल आ रही है। यक्का में इब्तदाई शक्ल, तीन में दरमियानी आधी शक्ल आ रही है, पानी में बंद वाली आधी शक्ल आ रही है, और आरी में खुली वाली शक्ल आ रही है आखिरी शक्ल। ये तो थी मेरी आज की वीडियो हरूफ तहजी की आधी अशकाल, जो मैंने आपको अल्फाज के साथ बताई कि मुख्तलिफ अल्फाज में इनकी मुख्तलिफ अशकाल इस्तेमाल होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।